हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एसिड होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं? क्योंकि वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और बेस के साथ सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डाला है। ठीक है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक है, तो इसलिए वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे वो एच को डोनेट करता है, तो यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलेट आयन्स एन हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड होते हैं उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर है वो एसिडिक नेचर में होते हैं, क्योंकि वो क्यों एसिडिक नेचर होते हैं? क्योंकि वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं एंड सॉल्ट बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं एंड हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक है, इसलिए एच को डोनेट करेंगे। ठीक है, एच प्लस को डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन है और उसको कार्बोक्सिलेट आयन क्यों बनते हैं? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में से मिलता है इसलिए। ठीक है, और उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब देखते हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर में एसिडिक है, तो उसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक एंड डोनेट प्रोटॉन बिकॉज कि कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करते हैं बिकॉज कि यहाँ पे आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आयोनाइजेशन होता है, जो आयोनाइजेशन होता है वो स्टेबिलाइज होता है, स्टेबल होता है। किसकी वजह से? कि रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस होता है और उस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे जो आयोनाइजेशन होता है वो स्टेबल होता है और स्टेबल फॉर्म में होता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं। ठीक है, एक रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर में क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से जो आयोनाइजेशन होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हमने वाटर के साथ उसका रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं। ठीक है, रेजोनेंस कैसे होता है ये देखते हैं, तो एनहाइड्रोनियम आयन बनता है और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बने वो हमने यहाँ पे लिखे, इस तरफ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा कि ये जो O पे माइनस नेगेटिव साइन है, मीन्स कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो ये वापस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर बनने के बाद वापस ये माइनस O पे जो माइनस है वो वापस इलेक्ट्रॉन देंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा रेजोनेंस होता रहेगा। ठीक है, रेजोनेंस होता है मीन्स कि आयोनाइजेशन भी होता है, रेजोनेंस होता है, उसी की वजह से जो कार्बोक्सिलिक है एसिड जो है वो एसिडिक है और ये रेजोनेंस होता ही रहेगा। उसकी वजह से यहाँ पे एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी हमने बनाया है रेजोनेंस का। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन पे हमने पार्टिशियली नेगेटिव लगा दिया है साइन। ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं हमने, ये उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में आयोनाइजेशन होता है एंड रेजोनेंस होता है और जो आयोनाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबल फॉर्म में होता है और इसको स्टेबल रखने के लिए ही रेजोनेंस होता है। ठीक है, और ये जो रेजोनेंस की प्रोसेस मैंने दिखाई कि ये रेजोनेंस होता ही रहेगा, ये स्ट्रक्चर में से ये बनेगा और इसमें से ये, मीन्स कि यहाँ पे रेजोनेंस होता रहेगा और इसी यही रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। ठीक है, एन हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं उसका रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से ही वो एसिडिक फॉर्म में होते हैं और रेजोनेंस की वजह से ही ये स्टेबल फॉर्म में भी होते हैं और इसीलिए ये एसिडिक है। ठीक है, अब देखते हैं कि उसका एसिडिक कॉन्स्टेंट, कि उसका एसिडिक कांस्टेंट से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जो आयोनाइजेशन होता है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, जो हम उसको बोलते हैं एसिडिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक जो कांस्टेंट है वो है क्या? तो एसिडिक कांस्टेंट मीन्स के। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आयोनाइजेशन इन मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज एसिड, ये एसिडिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डाला तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बने और हाइड्रोनियम आयन बने। ठीक है, तो यहाँ पे हम के कैसे लिख सकते हैं, मीन्स एसिडिक कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे लिखा है के, उसके बाद आएगा
ये लिख दीजिए और नीचे आएगा आर सी डबल ओमेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने एच टू ओ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एच टू ओ का वैल्यू एक ही होता है और तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो एसिडिक कॉन्स्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच थ्री ओ प्लस से, मीन्स हाइड्रोनियम आयन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और हम एच थ्री ओ प्लस को एच प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है कि जितना एच प्लस इंक्रीज होगा उतना ही के ए वैल्यू भी इंक्रीज होगा और उतना ही एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा, मीन्स की एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। एच प्लस इंक्रीज, के ए इंक्रीज, तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एग्जाम में के का वैल्यू नहीं देते हैं, पीके का वैल्यू देते हैं। तो देख लेते कि पीके क्या है। तो पीके वैल्यू को फाइंड कर, पीके वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका एक इक्वेशन है कि पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के, ठीक है। इसके के का यूज करके हम उसका पीके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन लगी हुई है, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है, मीन्स कि जितना पीके वैल्यू कम होगा उतना ही के वैल्यू इंक्रीज होगा, मीन्स के हमारा के वैल्यू जितना इंक्रीज होगा उतना ही पीके वैल्यू डिक्रीज हो गए, ऑपोजिट है, याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जितना H प्लस इंक्रीज, जितना K प्लस इंक्रीज, जितना एसिडिक नेचर इंक्रीज उतना ही पीके वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। ये सब इंक्रीज होंगे तो पीके वैल्यू डिक्रीज होंगे, ठीक है। जितना पीके वैल्यू डिक्रीज होगा उतना ही एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। जिस भी कंपाउंड का पीके वैल्यू लो होगा उसकी एसिडिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, मीन्स इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसिडिक नेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पीके के साथ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे मेल आईडी पे मेल कीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगी, ठीक है। थैंक यू।